रोल में लिखा था गेट रेडी टू प्ले द रोड और आपकी अगली डेस्टिनेशन है भालुकपोंग। भालुकपोंग का मैप हमें दे रखा था एक लैपटॉप में। जब हम भालुकपोंग के लिए निकले मेरा मूड को इतना खास नहीं था, एक मैं अपने विलेन रूप को मिस कर रहा था। उसने कोई कसम वसम टाइप खाई थी कि मैं किसी लड़की को नहीं बिठाऊंगा अपने साथ। हम लोग ने काफी मजाक उड़ाया था उस टाइम मोहित का। मोहित के चेहरे पे उदासी, तन्हाई, इतने खूबसूरत मौसम और इतने खूबसूरत जगहों के बीच में भी वो हैरान परेशान था। एक ही लड़की थी जो मैं आराम से, जिससे बड़े कंफर्ट लेवल में मैं बात कर सकता था। रूप, आई एम डेफिनेटली गोना मिस यू। जो टायर्डनेस थी, जो भी कुछ था वो दिमाग से निकल गया। लोकेशन को देखते जो व्यू था, रिवर, माउंटेन्स, कूल ब्रीज, वाज लाइक वाओ। पहाड़ों को देख रहे थे, मुझे सनलाइट को देख रहे थे। हटो ये देखो, लड़का लड़कियां जोड़ के पहाड़ देखना, बड़ा फनी गाइस। इवनिंग में हमें एक स्क्रॉल मिलता है, रोडीज वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश, आशा है भालुकपोंग तक की जर्नी में आपको मजा आया होगा। अब वक्त है मिलने का रघु और अनवी जैसे नफरा सॉन्ग मिल में। यार नींद आ रही है, सोना नहीं मिल रहा। पुराने रोडीज, नए रोडीज, आपका सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया। आप लोग भालुकपोंग पहुंच चुके हैं। हम एक गेम खेलने वाले जिसका नाम है कड़वा सच। तो वहाँ के यहाँ आँख सी खुल गई, अब ये क्या नई चीज़ है, आज सारी रखता अंदर की बात निकलवा के यहाँ सबके सामने रखवा देंगे। आप सब किसी भी अपने एक टीममेट से कोई भी सवाल एनोनिमसली यानी सीक्रेटली पूछ सकते हैं और उनको सच बोलना पड़ेगा, उसका सच्चा जवाब देना पड़ेगा। गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी को अगर इस गेम में सर्वाइव करना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि किस टीममेट से क्या क्वेश्चन पूछने से तुम्हारा फायदा होगा। गेम तो है, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। पहला सवाल, सुचित, आगे तक जाने का प्लान मोहित के साथ सेट है? शादी कब कर रहे हो? Well, मैंने और मोहित ने कभी बैठ के ये बात नहीं करी कि हम आगे तक जाएंगे, फिनाले तक जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कोई भी वोट आउट हो सकता है, कोई भी बैटल में आ सकता है और हार सकता है। अगर सब किसी को लगता है कि हम दोनों की इतना ब्रदरहुड है कि हम हर प्लान इकट्ठे बनाते हैं, और ये क्लियरली हो चुका है कि मैं रूप के भी क्लोज था एंड सुचित ने रूप को वोट किया था, तो मैं सुजित को मनाया क्यों नहीं कि रूप को बचाए, और मैंने एक बार भी उसको डांटा नहीं उस बात के लिए, या फिर कुछ क्वेश्चन भी नहीं किया कि तूने क्यों किया। I had asked him that, but उसका जवाब भी वही था जो हमेशा से होता था कि ऐसा कुछ है नहीं, मैं और मोहित तो कभी बात ही नहीं करते, वो तो यहाँ पता नहीं क्या करने आए हैं। नए रोडीज, पहला प्रश्न सोनल के लिए, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, क्योंकि मैं अभी तक नहीं जान पाया जान। जब घुसी थी अंदर तो मैं ये सोच के आई थी कि मैं इंडिविजुअली लड़ूंगी, उसके बाद बस टीम 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 हो गया, जो कि अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्टूपिडिटी है मेरे पार्ट पे, पर अब मुझे लग रहा है कि लोग हैं जो सिर्फ अपने दिमाग से सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। मैं डायरेक्टली उनका नाम भी लेना चाहूंगी यहाँ पे, मैं सिर्फ गौरव को पॉइंट आउट कर रही हूँ। क्या मतलब? जब रमन अपनी बाइक देके वापस आई थी तो एक नॉर्मल इंसान जो करता वो उन्हें अप्रिशिएट करता, पर इन्होंने एक ऐसी बात बोली कि आज नहीं तो कल वोट आउट तो होना ही है, अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश। तो मैंने आपको आप पे भी कोई जोर नहीं डाला था, मैंने आपको ये नहीं कहा था, मैंने एक बार पूछा था क्या करोगे आप, मैंने कहा था जो आपका मन करे वो करो। आपका एक थॉट प्रोसेस पता चल रहा है गौरव, और कुछ नहीं। पता लग गया आपको, उनके पता चल गया तो ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे हो किसी के साथ तो इन द एंड लोगों को तुम्हारे साथ अच्छा होना चाहिए, पर इस शो में ऐसा होता नहीं है। गौरव, ये प्रश्न आपके लिए, आप रमन को इतना डिसलाइक क्यों करते हैं और ऐसे नॉनसेंस स्टेटमेंट्स क्यों पास करते हैं उनके लिए? मैं उसे डिसलाइक नहीं करता, मेरे को अच्छी लगती हो। ठीक, मान लिया रमन। वो बहुत बदतमीजी से बात करता है। क्या बोलता हूँ मैं आपको सर, कोई किसी के खानदान के बारे में कैसे बोल सकता, सच्चा चीपस्टर, मम्मा पापा पे गया। तुम बोल सकती हो तो मैं क्या? मैंने तेरे मम्मा पापा के बारे में कभी नहीं कुछ बोला, तेरी फैमिली भी बोला कभी कुछ? मेरे को पहले क्यों बोल देगी,
बोल दी कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा फिर कहती कि मुझे क्यों बोल दिया। आप थोड़ी सी डिसेंसी रखो बस। आप भी तो डिसेंसी रखो, आपका तो बहुत बढ़िया। मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी बोलेगा ना मैं थप्पड़ मारूंगी, एक बार की दो तीन चार मारूंगी, ये मारूंगी। सुचित, अगला प्रश्न आपके लिए। अगर तुम्हें हमारे नए रोडीज की टीम से किसी को अपनी टीम में बुलाना हो और अपनी टीम से किसी को भेजना हो, वो कौन होगा और क्यों? देखो, सबसे जेन्युइन जो मुझे लगा इन न्यू रोडीज में से मुझे रमन लगी। किसकी जगह लेंगी वो आपकी टीम में? पलक और मेरी हम दोनों एक दूसरे काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अगर पलक को मैं भेजूंगा तो पलक समझ जाएगी। मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं और मैं कोई खुश नहीं हूँ। ओके, टेक योर डिसीजन सीरियस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपाली, आपको अपनी टीम में सबसे इरिटेटिंग कौन लगता है? सबसे इरिटेटिंग सबसे इरिटेटिंग मुझे पलक लगती है। अगर किसी में लड़ाई नहीं भी हो रही होगी या तो मैं लड़ाई करवा देती हूँ। हाँ, किसी और को पलक अनोइंग लगती है, इरिटेटिंग लगती है? करते तो हो नहीं गेम में बैट की तरह। दैट्स व्हाट योर लेवल इज। जो पलक तू सीजन में थी वो तू आज ही है। हाँ, मैं मना कब कर रही हूँ? वही रहेगी, लेवल वही रहेगा, वही रहेगा। मैंने कब बोला कि आई एम अ नाइस गर्ल? तुमको क्या प्रॉब्लम होगी? तुमको मैंने कौन सा कुछ कह दिया? ना तुम मेरी टीम के, ना तुम्हारी टीम में मैं जाती हूँ, ना तुम्हारे से मुझे कोई लेना देना। तुम कहाँ से गर्दन हिला रहे हो बिना मतलब के? तूने क्या किया है जब से गेम में आया है? उसके वो कौन होती जज करने वाली? यार, मुझे रणवीर जैसा लेके आए हैं, वो जज करेंगे मुझे यहाँ कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ कि क्या या नहीं कर रहा। तू कौन होती है? Who the hell are you? तेरा जो तरीका है बात करने तेरा वही रहेगा। तेरे को तमीज कभी नहीं आ सकती। अब तू मुझे सिखाएगा तमीज क्या होता है? ऑलराइट, जिस मकसद से ये गेम हमने खेला था, शुरू किया था, मैंने बोला था कि कई बातें बाहर आएंगी, कई बातें बाहर आई हैं। एक अपॉर्चुनिटी थी जैसे हमने पहले बोला, देखते हैं कौन इसका फायदा उठाता है। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। मैं सोनल के साथ ऐसी बातें कर रही थी तो एकदम से गौरव आ गया रूपे और चिल्लाने लग पड़ा। अगर तुमने वो करा सभी कुछ चेक किया, अगर सीधा तेरे पास और तेरे खुले खानदान पे चला जाऊंगा। जाके दिखा, तू बोल के दिखा। गाड़ी मेरे पेरेंट्स ने, तूने यही बोला था कि मैं तेरे मां-बाप पे जाऊं। तू मेरे पे तो गई, तेरे पे जाऊंगी। वो समझता है कि वो किसी भी लड़की को ना कुछ भी बोल देगा और वो लड़की उसको आंसर बैक नहीं करेगी। तेरी औकात यही है, तेरी औकात यही है। तो मेरे पिल्लो आई उसके रूम में गुस्से में, मुझे लगा भाई ये आज मारेगी इसको। मैं तो कह रही थी मार दे मार दे मार दे। तुम्हें थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो। इतना तो दिमाग में रख के बात करो। तेरी बुद्धि खराब है, तेरे में पागल है तू। तू पागल है, तू आज पागल है। तू क्या करने आया है? क्या कब परफॉर्म नहीं किया? क्या किया तूने? क्या किया अब तक? मैंने आते ही बैटल में खड़ा था, मैं आते ही बैटल में खड़ा था, आते ही उन्होंने दिखा दिया कि हाँ वो मेंटली थोड़ी पागल है, उसका ढीला है दिमाग, उसने वो प्रूफ कर दिया वहां पे। गुड मॉर्निंग ओल्ड रोडी। कल रात के कड़वे सच की बात हो पूरी, आपको अच्छी नींद आई होगी। जल्दी से उठ जाए और टिप्पी बैंक्स पहुंच जाए। हम लोग जब रिवर बैंक के लिए निकले तो हम लोगों को एटलीस्ट एक डेढ़ किलोमीटर नीचे ट्रैक करना पड़ा। माइंड ब्लोइंग लोकेशन, क्लियर वाटर, द सीनरी, द सैंड, इतना शांत एनवायरनमेंट था ना, मैं तो वहीं पे उछल गया था। साइड में कुछ मैंने डंडे गड़े हुए देखे, उनके पीछे अंगीठी रखी हुई है जिसमें कोयले चल रहे थे। दिमाग तो वहीं घूम गया, मैंने कहा लो सारी लोकेशन हो गई यहाँ तो, आज से मुझे लग रहा है आज हमें पका देंगे इस पे साले। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, आर यू गाइस एट पीस? नहीं, फिर तो बहुत अच्छी बात है, सही जगह आ गए आप। आसपास ये जंगल देख रहे हैं आप? कुछ समय पहले यहाँ पर एक बाबा आके बस गए थे। वो बाबा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं। आप यहाँ पे आए, उनको पता लगा, वो आप लोगों को मिलना चाहते हैं।
बाबा सुन के तो मुझे लगा कहीं रामदेव बाबा को तो नहीं बुला लिया यहाँ, आज सारे आसन करवा के हमारे सर पैर उल्टे तिरछे हमें रबड़े की तरह मोड़ने की कोशिश हो यहाँ। शायद वो आपके जो अंदर जो इतना अपहीवल चल रहा है, जो स्ट्रेस में हो, उसको शायद सॉल्व कर दे, आपको शांत कर दे, पीसफुल कर दे। मिलना चाहोगे बाबा से? Yes. एक्चुअली वो मिलना चाहते हैं। बाबा पीछे से कोई आदमी उन रॉक्स के ऊपर आके खड़ा हो गया स्टाइल में। बाकी सब अपने गेसेस लगा रहे थे ये कौन है। मेरी शुरू हो गई थी। राजीव सर, राजीव बाबा की जय। शांति शांति शांति। राजीव के एंटर करते ही समझ गए कि ये बाबा क्या है और क्या करने वाले हैं। ये हमारी कोई हेल्प वेल्प नहीं करने वाले, ये हमारी प्रॉब्लम्स और शायद बढ़ा देंगे। राजीव कहाँ थे आप? रोडीज के शोर शराबे से दूर मैं यहाँ शांति से संन्यास लेके बैठा हुआ था, पर हायर किस्मत घूमते घामते तुम लोग मेरी गली आ गए। पुराने पापी कैसे हो तुम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मिस कर रहे थे आपको। और वानर सैनिक, पहले दिन भी हमें ऐसा सुनने को मिला था एक्सोडीज में ऐसा क्या है जो हम लोग में नहीं है और तुम हम लोग को वानर सैनिक बुला रहे हो, जबकि हम मनी में भी आ गए हैं, हर चीज़ में आ गए हम लोग। तुम लोग आठ और आठ से शुरुआत आप लोगों ने की और अभी हो तुम पाँच और पाँच, यानी नेक टू नेक, विच इज गुड। कल रात एक चीज हुई, कड़वा सच। तुम लोगों की अंदरूनी एंजर पेंजर एक्सरे हो गए, सबको पता लग गया कि दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, पर बाकी तुम्हारे फीलिंग्स एक दूसरे के बारे में सामने आ गई। आज के बाद तुम्हें पता है तुम्हारी टीम कौन है, तुम्हारा ओपोनेंट कौन है, तुम्हारी टीम के अंदर तुम्हारे साथी कौन है और तुम्हारा टारगेट कौन है। और समझदार अगर तुम हो तो तुम्हारी स्ट्रेटजी और स्ट्रांग हो चुकी है, तुम एज ए कंटेस्टेंट और स्ट्रांग हो चुके। क्या होने वाला है यार, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे अभी, क्योंकि राजीव बाबा हैं ये आए और कुछ हिले ना, कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस स्ट्रेटजी का जो बेसिस है मैं वही बता देता हूँ, तब कैसे सर्वाइव करोगे? दे विल बी अ न्यू टीम रन विजय एंड अ न्यू टीम रघु। पुराने रोडीज और नए रोडीज साथ में रहेंगे। टीम जिसके लिए कॉफिन में घुस गई, टीम जिसके लिए बाइक वापस दे दी, टीम जिसके साथ मिलके पैसे इतने इकट्ठे कर लिए, वो टीम ही नहीं रहेगी। चलो अब आया है मौका अपनी पसंद की टीम चूज करने का, अब आया है मौका जो लोग पसंद नहीं उनसे फेस टू फेस आने का, और अब आया है मौका अपनी जाने का। सोचो अगर आप उन लोगों को अपने साथ ले पाते जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है आपके हिसाब से, या आपकी मर्जी के जिनसे आपकी बनती है, जो आपको धोखा नहीं देंगे, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। सर अपनी टीम में ले लो, वहाँ चमक जाओ, उनका पता तो कटना ही है, अंदर से दीमक की तरह चाट जाओ। समझ में आ रही कुछ? ये आपकी मदद करने के लिए दोस्त। समझदार के लिए मदद, बेवकूफ के लिए तकलीफ। सबके दिमाग चल पड़े थे उसमें, मैं भी सोच रहा था कि भाई उस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना पड़ेगा। इसको फायदा बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, तुम्हें टीम चुनने का पावर अपने हाथ में लेना है। मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। मेरी करंट टीम नए रोडीज और रघु की टीम जो पुराने रोडीज हैं, दोनों के बीच में एक एक टास्क होगा। वो टास्क होगा टू बी द कैप्टन, कैप्टनसी टास्क। जो इधर जीत गया वो रणविजय की टीम का कैप्टन, और जो इधर जीत गया वो मेरी टीम का कैप्टन। कैप्टनसी मतलब
पावर टू चूज। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर आज बाई चांस मैं कैप्टन नहीं बनता तो भाई साहब आज जो मैंने प्लान किया है मेरा प्लान तो गया, अब मेरे ऊपर तलवार लटकती दिखाई दे रही थी मेरे को सीधी सीधी। मैं कॉन्फिडेंट था कि जो भी कैप्टन बनेगा मैं उसकी फर्स्ट चॉइस होने वाला हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली कम ऑन इट्स मी। अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखना, सबको इक्वल मौका मिलेगा। पहला जो कॉम्पिटिशन होगा वो पुराने रोडीज रघु की टीम में होगा। ये जीतना बहुत जरूरी था, मैं पूरा प्रिपेयर था, कुछ भी हो कैसा भी टास्क हो आई हैव टू डू इट। रेडी? चिराग का नाम सुना आपने? नहीं सुना? इंडियन ही है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ही। एक डेमोंस्ट्रेशन दे देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि टास्क क्या क्या, आपको करना क्या, ठीक है? आइए। दूर से आई सॉ सम डांसर्स कमिंग, वो लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में थे एंड दे हैड दीज लॉन्ग बैम्बू स्टिक्स विद देम। मुझे तो बहुत पॉइंट मिलने वाले हैं, मैंने सोचा मैं तो आराम से कर लूंगी, क्या है इसमें कुछ भी तो नहीं है, लकड़ियों में पैर डालो, लकड़ियों से पैर बाहर निकालो, हो गया टास्क। इससे आसान चीज हो ही नहीं सकती। आप जब कर रहे होंगे आपके साथ एक चिरो डांसर होंगे, एक तो वो आप मदद ले सकते हैं उनसे, उनको देख देख के कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए फायदा क्या होगा, जैसे आप गलती करेंगे हमें पता चल जाएगा क्योंकि वो सही तरीके से कर रही होंगी। गॉट इट? बेशक मैं डांस करता हूँ लेकिन चिरो डांस इतना आसान नहीं है क्योंकि वो प्लैंक्स का खुलना और बंद होना और फिर पैर टाइम पे बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। सबसे ज्यादा बिना गलती किए जिस पुराने रोडी ने ये चिरो डांस किया वो ये टास्क जीत जाएगा, कैप्टनसी टास्क, यानी कि मेरी टीम का वो कैप्टन बन जाएगा या बन जाएगी। ठीक है जी, शुरू करें। रेडी? स्टार्ट प्लीज। मुझे उस म्यूजिक के साथ रिदम में आना है, मुझे और कुछ नहीं सोचना। मुझे हंसी भी आ रही थी और थोड़ी बेवकूफी भी फील हो रही थी उसमें, क्योंकि जूते पहने हुए थे इतने लंबे लंबे, उसने कोई पागल ही होगा जूते पहन के उस पर डांस करेगा। इट वॉज गोइंग रियली गुड, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मेरा कॉन्फिडेंस भी आगे बढ़ रहा था। Stop! Stop! आपसे गलती हुई। फ्लो में चल रहा था, पैर स्लिप करते ही मुझसे एक बीट मिस हो गई म्यूजिक की और मैं गलती कर बाहर निकल गया टास्क। आजा मोहित। मैं रेडी था डांस करने के लिए और मेरे को लग रहा था यार कि अगर सुजीत फर्स्ट टाइम में इतना कर सकता तो हाउ बैड कुड आई सक। मैंने जब अपना डांस शुरू किया 1-2 रिदम पे मैंने अच्छा कैच ऑन किया और मेरे को लग रहा था कि शायद मैं कर पाऊंगा। Stop! मैंने डांस के रिदम को नहीं फॉलो किया और मैं सिर्फ 1-2 में रह गया और जल्दी जाके ही मेरा काम खराब हो गया। उसके बाद नंबर थर्ड पे गया अनिरुद्ध। जब मैंने अपना पहला स्टेप लिया मैं बहुत नर्वस हो गया था बॉस। समहाउ मैं वो स्टेप प्रॉपरली कर गया और फिर मेरा डांस फ्लो में आ गया। आई थिंक स्कूल में भी उसको पहन के बैम्बू स्टिक्स के ऊपर डांस करने की प्रैक्टिस करता होगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे स्कूल में ऐसा कोई गर्ली डांस स्टेप फॉर्म नहीं सिखाया गया। जब उसने डांस करा तो मैंने कहा यार ये तो सबसे मस्त कर रहा है, सुचित से भी बेटर कर रहा है। जैसे सेकंड राउंड से कंप्लीट किया मैंने कहा यार तो मेरा पास आ रहा है, उससे जीत ना जाए कहीं, जीत ना जाए, बहुत पास आ गया। स्टॉप। जब तीसरे स्टेप की बारी आई तब ब्लंडर हो गया। मेरे से पहले ही अनिरुद्ध ने फिनिश किया था और उसने 3 राउंड के करीब खत्म कर लिया था, सो आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि अगर अनिरुद्ध कर सकता है तो मैं कर लूँगी उसको। जैसे ही वो स्टार्ट हुआ और मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई और मेरी बीट थोड़ी सी स्किप होने लग गई, मुझे लगा था ये लड़की है तो ये अच्छा करेगी, बट उसका परफॉर्मेंस वाज ओके ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पलक। पलक आपको कैप्टन बनना है? यस ऑफ कोर्स। इसमें आप सबको हरा सकते हैं?
Yes, I can. मैं सबको बोल के आई हूँ, I will beat you all. मैंने रामचंद्र को इतने अच्छे एक्सप्रेशन में बोला. Start please. Stop. इससे पहले कि मैं नजर उठा के देखता पलक कहाँ गई, मैंने देखा वो वापिस आ रही है. कब गई, कब उसने टास्क खत्म किया, पता ही नहीं लगा. वाओ पलक, मेरी टीम का कैप्टन कौन बनेगा या बनेगी, ये मैं आपको दूसरी टीम के टास्क के बाद बताऊंगा. नए रोडीज, आप अपने टास्क के लिए तैयार हो? आप आराम फरमाइए, मैं फरमाना चाहता हूँ. रणविजय, आप लोगों ने देखा लोगों की टीम ने परफॉर्म किया. इनको मूवमेंट दिखाना था, रिदम दिखाना था, कोऑर्डिनेशन दिखाना था. तुम्हारे लिए और भी आसान, तुम्हें सिर्फ एक पोजीशन में रहना है. पीछे आप ये लॉग्स देख रहे हैं, दो लॉग्स हैं, दोनों पे आपकी एक एक टांग होगी. आपके दोनों हाथों में कटोरे होंगे. आप ऐसे पोजीशन लेंगे और आपके यहाँ पे भी कटोरे होंगे ऐसे. उन कटोरे में पानी होगा जो गिरना नहीं चाहिए. ये बड़ी नाइंस आप भी कर रहे हैं यार हमारे साथ. मतलब हम नए रोडीज हैं, हमें थोड़ा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए इन्हें, और हमारी तो वाट लगाने में तुले हुए. यहाँ आप थक जाएंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बैठ जाना, बैठ जाना, कोई टेंशन नहीं है. वहाँ पे जो आपके टांगों के बीच में जलते हुए कोयले हैं, ये मेरे अपनी चीज़ हैं, मैंने किराए पे नहीं ली यार. पक्ष दो, पहले फटके, फिर पेंट बॉल, उसके बाद एनिमा, अब जलते हुए अंगारे. तुम पांचों में से जो सबसे एंड तक रह गया या रह गई कटोरी के साथ शाओलिन मॉन्क पोजीशन में, वो हमारी टीम का कैप्टन होगा या होगी. मेरे को मौका नहीं मिला गौरव, तुमने ये बोला है. आज मौका है, आज मौका है कैप्टन बनने का. जो तुम्हारे पे आज तक ये उंगलियां उठा रहे ना, ये डिसाइड करता है. तुम डिसाइड करो आज कैप्टन बन के कि मेरी टीम में कौन आएगा. ऑलराइट, टेक योर पोजीशन. जाके खुला के बैठ गया उसके ऊपर, देखी जाएगी जो भी होगा. आज नहीं हिलना यहाँ से. इस तरीके के कोयले जला रखे थे यार कि मेरे को लगा था शायद इतनी आंच नहीं होगी. वो तो सही में जला रहे थे बुरी तरीके से, जैसे प्रेस रख दी. स्टार्ट. जब मैं वहां पे बैठी तो मेरी को एकदम टच कर रहा था दैट फायर. मम्मा, अभी 2 सेकंड भी नहीं हुए थे उसने अपने हाथ से बोल ढेर, मुझे नहीं करना ये टास्क. इसने खुद ही गिरा दिया, अपनी बेइज्जती खुद ही कर ली, अच्छा हुआ. टास्क 4 लोगों के बीच में, कोई भी कैप्टन बन सकता है. मेरा ट्राउजर जल रहा है. कोई बात नहीं, बाकी सब कभी जल रहा है. मेरे तो धज्जियां उड़ने लगी यार, पहले से ही गरम गरम, ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई गरम गरम कोयले मार रहा है. कोई बात नहीं यारी, अभी एक है. मैंने साइड में देखा तो सोनल तो बिल्कुल सेट है, गाने गा रही है. तो उस वक्त तो मैं ये हो गया यार, मैं तो दर्द सहन कर रहा हूँ, वो बिल्कुल नीचे बैठ चुकी थी. जैसे आग लगे जा रही है, या तो मैं बैठ जाऊं तो आग वैसे जला देगी, थोड़ा सा और ऊपर हुआ तो बॉल गिर जाएगा. मिस्टर वुशु, बातें करते बड़ी बड़ी चंगार पड़ी तो औकात याद आ गई. अब जो थाई में पेन था वो बढ़ नहीं रहा था, कम हो रहा था कि भाई बस 2 रहते हैं, इनको उड़ा दे, तू कल्ला कैप्टन बनेगा. स्वाति भी गई. जिन लोगों से एक्सपेक्टेड था कि वो कुछ करेंगे वो जल्दी हार गए. जिन लोगों से नहीं एक्सपेक्टेड था वो कुछ करेंगे वो अड़े हुए हैं. टीम कैप्टन हैरी या सोनल? मैंने लेफ्ट साइड पे अपना फेस किया, देखा सोनल को ऐसे बैठी थी कि जैसे हीट की तो आदत पड़ चुकी है उसको, रोज वो तवे के ऊपर बैठ के आती है अपने घर पे. तो वहां पर थोड़ा सा मेरा डगमगा गया कि क्या हो रहा है यार. लेकिन नहीं, चाहे वो कितनी भी स्टेबल हो मुझे उसको हराना ही हराना था. मैं इतनी वीक नहीं हूँ जितना ये लोग मुझे समझते हैं. चाहे जो हो जाए, चाहे जल जाऊं, चाहे मर जाऊं, बट आई विल नॉट गिव अप. सोनल और हैरी में तगड़ा कंपटीशन चल रहा था. इंप्रेसिव गाइस, इंप्रेसिव. एक लेग शिवा कर रही थी मेरी और बिल्कुल बुरी हालत थी मेरी, हीट सह नहीं हो रही थी. आई वाज जस्ट वेटिंग कि हैरी का जल्दी से जल्दी वो बोल के चले. ये
got the power. I mean, I had the right to choose my own team. That feeling was so amazing. थोड़ा सा और उठ जाता है यार, बैलेंस नहीं कर सका मैं उस बॉल को, क्या कर दिया मैंने। कैसा लगा आपको अपना टास्क? मस्त। आसान था? बहुत आसान था। रघु करना क्या था, खड़े ही रहना था। लेकिन मैं तुम्हें अपना आंखों देखा हाल बताना शुरू करता हूँ। हाँ। ठीक है, सबसे पहले रमनदीप। सर मेरे थाइस में कल से इतना स्वेयर पेन हो रहा था, मेरी पूरी हो गई थी। क्या हो गई थी? बहुत गर्म हो गई थी। है ना, मैंने देखा नहीं आप में ये ट्रेट। You gave up. You didn't even try. आपने सब फेंककर उतर गई आप। Because I'm very disturbed right now. I know. I'm very disturbed. किस लिए? वो मैं जो team करती रहती थी वो team ही नहीं रहने वाली, मेरा दिमाग खराब हो। क्या captain जी? हाँ मुझे ये team जो चाहिए थी रहने ही नहीं वाली, तो में जाए। देखो देखा जाए तो logic कहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको इन पत्थरों में थोड़ा सर ठोकना पड़ेगा। जो आप जो मैं कर चुका हूँ तो मैं समझ रहा हूँ, मैं इसका लॉजिक समझ रहा हूँ। रमनदीप ये जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी है ना तुम्हें बहुत दूर लेके जाएगी, वापस घर। मैं बस ये सोच रहा था कि यार ये लोग आने वाले मेरी टीम में, ये टाइम आ गया मोहित तेरा कि तुझे इन लोगों के साथ बेबी सिट तो करना दूर, तुझे इन्हें इक्वल्स की तरह ट्रीट करके अपने टीम मेंबर बनाना पड़ेगा। इसके बाद आता है मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट, फेवरेट जिम जाता है बंदा, वुशु एमएमए करता है। ठीक है, डोले शोले मतलब बंदे की तगड़ी परफॉर्मेंस। गौरव जैसे मैं ऊपर होने लगा वो बाउल गिर गया। क्यों ऊपर हो रहा था तू? तेरी जिम जाता है? हाँ जिम जाता है। क्यों क्यों जाता है? हार गया सर मैं। अबे जिम क्यों जाता है? सवाल तेरे को अंग्रेजी में समझाऊं? हाँ वही, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, ना मैं कोई टास्क परफॉर्म कर पा रहा हूँ। मेरे को अब समझ में आ रहा है कि मैं लूजर हूँ सबसे बड़ा। ये भी नहीं कर पाया जो मैं खुद कर सकता था, आज ये भी लग गया कि कुछ बचा ही नहीं मेरे अंदर। अब मेरे अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है कि यार मैं क्या हूँ, कोई मेरे को देखेगा तो क्या बोलेगा कि अबे यार तू ये भी नहीं कर पाया, तेरे से तो इतनी उम्मीदें थी। तेरे पैर जवाब दे गए जब तू नीचे आया ना, तू खड़े नहीं हो पाया। ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी है यार, तुमने क्यों नहीं किया? लूजर हूँ मैं, ये अच्छी। अब आप कुछ मत बोलना मुझे, मैंने खुद ही बोल दिया। खुद ही बोल दिया बेटे, हमारा मन भरा नहीं है। हाँ शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म। तेरी ये परफॉर्मेंस देखकर तुझे लगता है तेरे को अपनी टीम में यू विल बी वन ऑफ द फर्स्ट? मैं अब मेरा मैं जैसे अवतार नहीं किया था वैसे ही छोड़ देना चाहता हूँ कि मेरे बस की कुछ नहीं है, मेरे को लग गया है पता। तू क्विट कर रहा है? तो क्या बोल रहा, तू छोड़ के जाएगा, थप्पड़ मारूंगा तुझे, समझ रखा है मुझे यहाँ पे है? मेरा सर फायदा ही नहीं है कुछ टीम में, मैं जो भी टास्क करने जा रहा हूँ। जाओगी वेस्ट की मेरी टीम में, विकास को क्यों निकाला? छोड़ के चल जाऊंगा। रणविजय ने उन्हें बहुत गंदी तरह से डांटा उस वक्त, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया 8 लोगों में से वो एक थे, तो उन्हें प्रूव करना चाहिए था कि वो डिजर्विंग हैं, दैट इज व्हाई ही वाज स्टैंडिंग ओवर देयर। डूड आई एम सो हैप्पी राजीव यू आर हियर, बिकॉज़ होपफुली मेरी टीम में ही नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लग रही थी गर्मी? सर पता नहीं चल रहा था उस वक्त। क्यों? मेरे को कई बार वीक बोला गया है टीम में, तो मैं वो वीक वाला टैग हटाना चाहती थी। I wanted to prove that I am strong. मैं एक कंटेस्टेंट से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, वो है हैरी। तुम्हारी काफ़ी देर पहले चुकी थी, तुम्हारी उतना एंड्योरेंस है नहीं, तुम कांप रहे थे। मैं आपको बता दूँ, आप उतरे 5.5 मिनट के मार्क के करीब, जहाँ 30 सेकंड में एक और फिर सब गिरते गए। रिजल्ट काफ़ी क्लियर है रणवीर। सोनल आप मेरी टीम के कैप्टन हैं, जो भी टीम होगी यू विल चूज। Impressed with the way you did the task. आपने जो टास्क जीतने के लिए जरूरी समझा वो आपने किया। Which brings me to your team now, Raghu. हाँ राजीव, हमारी टीम में से भी किससे इम्प्रेस्ड है? कौन? पलक जी। पलक से आप इम्प्रेस? पलक से मैं कह रहा हूँ। पलक झपकते ही खत्म हो गया था। anyway, मैं आपको आपके टाइम्स बता देता हूँ। Can I guess Palak's time? Guess. 3.5 seconds. Exactly half of that. 1.5. 1.15. सवा एक सेकेंड। क्या हुआ पलक? कैप्टन नहीं बनना था? रमनदीप वाला से हिसाब तो नहीं है कहीं? मेरे दिमाग में था कि सुचित मेरा फ्रेंड है, अगर बाई चांस में मेरे से कुछ नहीं भी होता तो मैं कहीं नहीं जा रही, मैं टीम में ही हूँ। तुमसे जब परफॉर्म नहीं करा गया टास्क में तब तुम बाहर आके बोलते हो मुझे तो कैप्टन बनना ही नहीं था। अरे कैप्टन हर किसी को बनना था, तुमसे परफॉर्म नहीं हो पाया।
रूपाली, आपने शुरू किया, आपसे गलती हुई 11 सेकंड के बाद। लड़कियों के साथ एक्चुअली मेरे को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, लड़कियों में रिदम लड़कों से ज़्यादा होता है। मेरे को भी थी। ये तो एक्चुअली लड़कों का थोड़ा डिसएडवांटेज था, जैसे कि मोहित 7 सेकंड भी टच नहीं किया भाई ने। मेरा भी सेम है कि मेरे को सारे स्टेप्स याद थे, बट वहाँ पे जाके एक बार रिफ्लेक्सेस स्लो है मेरे। याद है सर मुझे सब सारे याद है। करूँगा नहीं। बचे सुचित और अनिरुद्ध, बहुत ही पास। एक का है 36.15, दूसरे का 35.45। मतलब 1 सेकंड से कम का फर्क है ये। अब हम ये नहीं सोच रहे थे कि टीम की जिम्मेदारी लेनी, अब बात आ गई थी कैप्टन कौन बने, किसने टास्क जीता है। आई केप माई फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं आई वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट। तेरी टीम का कैप्टन कौन है? अनिरुद्ध, आपका टाइम है 35.45। सुचित 36.15। तो मेरी टीम का कैप्टन है, आप जीत गए, कंग्रेचुलेशंस। अनिरुद्ध 1 सेकंड और रुक जाता यार, 36.15 कर लेता। मेरा दिमाग ही घूम गया यार, मैं सोच रहा था कि बस एक कोई स्टेप ऐसा होता जिसको मैं थोड़ा आलसी से कर लेता तो मैं जीत जाता यार। बहुत टफ कॉम्पिटिशन दिया अनिरुद्ध ने, बट यू वर जस्ट अ लिटिल बेटर एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। ताली दे भाई। वेल डन। थैंक यू। अभी आप लोग अनाथ हो, बाकी के लोग लावारिस, लावारिस बेघर। अब आपके पास पावर है सर, मैडम जी पावर दोनों टीम में। अब आप समझते हो जो हमने शुरुआत में समझाया था आपको, आपकी टीम में किसके रहने से आप जीत जाएंगे। अब आप हारे तो थप्पड़े मारना अपने आप को, क्योंकि ये थोपा हुआ टीम नहीं है, ये आप चुनेंगे अपनी टीम को। पावर तभी पावर होता है जब इस्तेमाल करने वाले में अकल होती है, ठीक है? और तब तक मैं बता रहा हूँ, एक इस पहाड़ के पीछे ना एक बहुत सही जगह मेडिटेशन के लिए। सर प्लीज कर ले। हाँ, हमें अपनी शरण में ले लो। हाँ बाबा, आओ बाबा जी। जब मैं सो के उठा तो हमारा स्क्रोल आ चुका था। आओ महाराज, आओ। पुराने रोडीज, अगर आपका दिमाग सोच सोच कर असमंजस में पड़ गया है तो घबराए नहीं, जल्द ही रघु, रणविजय और बाबा राजीव से मिलने के लिए तैयार हो जाएं। आपको संपूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति होगी और एक नई विचारधारा की भी प्राप्ति होगी। अलख निरंजय। चाल चाल बढ़िया। आप यहाँ वोट आउट करने आए, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो यार। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि अरुणाचल प्रदेश पहुँचते ही आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हैव यू डिलीवर्ड ऑन अ प्रॉमिस और नॉट? डेफिनेटली। रोडीज के तौर तरीकों में, जैसे कि आपको बताया था कि रोडीज एक्स में आप लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे, ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे जो पिछले 9 साल में हुई हैं। और एक और चीज़ है जो रोडीज की पहचान है, उसके बगैर रोडीज का एक्सपीरियंस पूरा नहीं होता, वो है ट्विस्ट। ट्विस्ट ऐसा है जैसे टास्क या वोट आउट, लेकिन जरूरी नहीं कि उस ट्विस्ट से तुम्हारा नुकसान हो। हर ट्विस्ट से समझदारों का फायदा होता है, बेवकूफों का नुकसान। जो ट्विस्ट है इसमें कई लोगों का बहुत फायदा हो सकता है। पहला फायदा होने की संभावना है कैप्टन्स को। कैप्टनसी टास्क हुए, पुराने रोडीज की टीम में भी हुआ, नए रोडीज की टीम में भी हुआ, और 2 कैप्टन निकल के आए, सुचित और सोनू, एंड डिजर्वडली सो। वेल डन, वन मोर राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। पावर ये है कि आप अपनी ड्रीम टीम चुन सकते हैं। आप अपनी टीम चुन के अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। आप दोनों जाएंगे एक क्यू कार्ड पर, अपनी ड्रीम टीम लिखेंगे कि आपके हिसाब को आपको कौन कौन चाहिए, और हम मोस्टली आपको वो लोग दे देंगे। राइट राजीव, आप कुछ? एक चीज, एक शर्त है मेरी, तुम लोग लिखोगे
क्यू कार्ड में चार नाम, लेकिन उनमें से एक नाम पुराने रोडी लड़के का होगा, एक नाम पुराने रोडी लड़की का नाम होगा, तीसरा नाम नए रोडी लड़के का नाम होगा और आखिरी नाम नए रोडी लड़की का नाम होगा, पांचवे आप। अब मुझे एक डायरेक्शन मिल गई थी कि मुझे किस तरह से वोट लिखने थे। सिचुएशन को पढ़ो, लोगों को पढ़ो और आगे बढ़ो। उस वक्त मैं एज ए कैप्टन डिसीजन ले रहा था, फ्रेंडशिप को मैं सेकेंडरी ऑप्शन रखता हूँ, प्राइमरी ऑप्शन मेरा यही था कौन बेहतर रहेगा टीम के लिए। जब मैं नाम लिखती थी उस वक्त आई डिड नॉट वॉन्ट कि मैं अपनी टीम में कोई ऐसा इंसान लाऊं जिनको मैं ट्रस्ट नहीं करती। तुम लोगों को बुरा लग रहा है कि तुम हो ही नहीं कहीं गेम में, तुमसे बातें ही नहीं हो रही। एक काम करो, एक एक रह जाओ और एक नाम लिख दो तुम किसी भी एक कैप्टन का। एक फ्रेश स्टार्ट है, एक फ्रेश बिगनिंग है। मेरे हिसाब से मेरे लिए यही बेहतर। मेरे को पता है अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो उन्होंने मेरा पता कर देना। ये मुझे कोई मतलब नहीं है मैं किसी की भी टीम में जाऊं। राइट, टीम सिलेक्शन टाइम। सुचित, आपका विश लिस्ट ड्रीम टीम मेरे हाथ में। पुराने रोडीज में से लड़का आपने चुना है मोहित। मोहित, आप सुचित की टीम में हैं, मुबारक हो। आप सुचित के पास आगे खड़े हो जाइए, बाकी लोग थोड़ा साइड हो जाइए। तो चित, क्यों चूज किया आपने मोहित को? अपार्ट फ्रॉम कि ये हम अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंडशिप, इसके अलावा यही है कि ये अच्छा परफॉर्मर है। मोहित, आपने सुचित को क्यों चुना? फॉर द सेम रीजंस, ही इज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, फेयर कैप्टन है। आई कैन काउंट ऑन हिम व्हेन आई एम इन ट्रबल। पुराना रोडी मेल, सोनन लिखा, अनिरुद्ध। क्यों? अनिरुद्ध क्लियरली टीम से ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, तो आई वांटेड कि वो हमारी टीम में आ जाए। उससे आपका क्या फायदा? हमारी टीम परफॉर्मेंस तो है ही। अनिरुद्ध, आपने क्या चुना? सोनल। अनिरुद्ध, मैं काफी खुश हूँ कि आप मेरी टीम में आ रहे हैं। मेरी टीम में आके पीछे मत हटियो। इन लोगों ने तुझे कैसे ट्रीट किया तुझे पता है? अब तेरे पास इनका मुंह तोड़ जवाब देने का पूरा पूरा मौका है। जो लोग मेरे को टीम से निकालना चाहते थे, आज मैं उनके साथ वाली टीम में नहीं बल्कि उनकी आमने सामने खड़ा था। अब आओ टास्क में, अब देखते हैं। अब मजा आएगा भाई, अब मजा आएगा। पुराने रोडीज में से लड़की सुचित, आपने चुना है पलक को। शी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर। उसने जो भी टास्क किया बहुत बेहतरीन टास्क किया। रूपाली, आई होप यू हैव बीन चोजन बाय समबडी। आई होप सो टू। पुरानी रोडीज लड़कियों में सोनल ने चुना है रूपाली को। रूपाली, क्या कहना आप इसके बारे में? I'm happy. It's better अगर ये मेरे को चांस मिल रहा है and I get a fresh start. Fresh start in a winning team, रूपाली. What else do you want? और क्या चाहिए तुम्हें? और एक और बात बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें। इसने परफॉर्म किया था अभी पिछले एक मनी टास्क में। ये भी तुम्हारी टीम से जा रही है। Very happily in your hands, all your life, keep it. यार ये तो बहुत भीड़ हो गई। देखो यार, मेरी टीम में आने के लिए लाइन लगी हुई है, लाइन। वहाँ पे सिर्फ देख रहे हो तुम क्या हाल है तुम्हारी टीम के। कांग्रेचुलेशंस सोनल, आपको अपनी पहली दोनों चॉइसेस मिल चुकी है, सुचित को भी मिल गई, अब आएगा मजा। नए रोडीज में लड़का सुचित, आपने चुना है गौरव। यू हैव फेथ इन या यू नो हु हैज फेथ इन सोनल को भी। सोनल ने भी गौरव का नाम लिखा है। रघु, मैं तो ये सोच रहा था शायद मेरा कोई भी नाम नहीं लिखेगा, क्योंकि मैं तो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा और मैं खुद अपने आप से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। तो अब क्या करें? ये तो बाबा, इसका इस समस्या का कोई समाधान है आपके पास? है बच्चा, है। अब हम जाएंगे उन कार्ड्स के पास जो आपने लिखे। ये है टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर, रेडी? गौरव ने लिखा है कि वो सोनल की टीम में जाना चाहते हैं। मैं इसका नाम इसलिए लिख रहा था कि हम पहले भी एक ही टीम में थे। सुचित, डिसअपॉइंटेड? लिटिल बिट। गौरव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तूने सोनल की टीम क्यों चुनी? कल जब तेरी बुरी हालत कर दी कड़वा सच में,
लहू लुहान कर दिया, कपड़े फाड़ दिए तेरे यार, चप्पल भिगो भिगो के मारे तेरे सर पे। तूने सोनल का नाम क्यों लिखा? सुजीत की टीम में नहीं जाना चाहता तू? अब तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरे को बस अब अपनी बस परफॉर्मेंस दिख रही है कि कुछ ऐसा करना है कि हाँ जो गार्ड के आ जाऊँ, कुछ कर दूँ। मतलब अब नहीं दी सोच रहा मैं ना, मेरे को कोई वोट आउट करो क्या करो मेरे दिमाग में। तो बगैर सोचे तूने एडिशन लिए? हाँ सुचित, यू डोंट हैव टू फील सो बैड। नए रोडीज में लड़की सुचित, आपने चुना है रमन को। क्यों रमन क्यों? बिकॉज इनकी टीम में अगर मैं किसी पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर सकता हूँ तो रमन को। सुपर्ब, ओके तो रमनदीप चलने के लिए तैयार? वेलकम टू रघुस टीम। यार नए रोडीज गर्ल में सोनल ने भी रमन का ही नाम लिखा है। बाबा सच्चे मन से मांगो, सच्चे मन से मांगो, समाधान मिलेगा तुम्हें। रमन ने नाम लिखा है सोनल का। Choosing Sonal because she is my very good friend and I love her. पता नहीं उस वक्त टीम में क्या हो रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छी परफॉर्मर आए, ट्रस्टेबल लड़की आए रमन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गौरव जो अभी आगे वाला टास्क में जिसके अंदर जोश भरा हुआ है, पागल हो गया था मैं। भाई क्या हो रहा है यार? गौरव तो कंफ्यूजन में लेके आ गया, तो यू डिडंट हैव टू फील बैड देन। ये सोच समझ के लेके आएगी मुझे सोनल की टीम में जाना है। इसकी ये बात कहना था कि she is not feeling well, मेरे बहुत मेंटल प्रेशर आ रहा है मेरी टीम के अंदर, सब लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं। It was only Gaurav, बाकी सब के साथ मैं कम। गौरव आपकी टीम में है, मुबारक हो। रमनदीप आज के बाद जब भी आपका दिमाग घूम जाएगा ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे यही टीम चाहिए सर, मुझे घर जाना है, मेरे को टास्क नहीं करना, रिमेम्बर यू चोज दिस। अगर तुम्हारी और सोनल की इतनी अच्छी दोस्ती है और रमन नहीं चाहती कि गौरव की टीम में आए, फिर सोनल ने गौरव का नाम क्यों लिखा? और तुमने वहाँ पे भी कहा था मुझे गौरव ये पसंद नहीं है, मुझे गालियाँ देता है, मेरे खानदान के बारे में बोलता है। स्टिल तुम्हारी फ्रेंड ने गौरव को चूज किया, उसको चूज किया तुम्हारे लिए, तुम उसको पता है तुम उसके साथ कंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं करती हो, ये फ्रेंडशिप है। शी इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट विद यू, बहुत स्मार्ट प्ले कर रही हो, तुम डम्ब हो। उस टाइम पे मुझे भी लगा कि सोनल एक्चुअल में जैसा लोग बोलते हैं शी रियली दैट क्लेवर, और वो सच में माइंड गेम्स खेल रही है। रमन हम लोग को अपनी टीम स्ट्रांग करनी थी इसीलिए गौरव आया, दैट्स ऑल। सोनल की ड्रीम टीम देखो, अनिरुद्ध रूपाली गौरव रमन, इसके फर्स्ट चॉइस सब इसके पास खड़े, सब ने जो इसी टीम में खड़े हैं, एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन अ टीम। सुचित तेरी ड्रीम टीम में से आधी तेरे पास है, आधी तेरे हाथ नहीं है। दो लोग हमारे पास ऐसे बचे जिन्हें किसी कैप्टन ने चूज नहीं किया, हैरी और स्वाति। हैरी ने क्या लिखा मैं जानना चाहता हूं। हैरी वांट्स टू गो टू सोनल। क्या तुम्हारा लक चल रहा है यार, जब तक तुम परफॉर्म नहीं कर रहे थे कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, आज तुमने परफॉर्म किया एंड नोबडी वांट्स यू। सर वही होता ना कि कुछ अच्छा होता कुछ बुरा होना बहुत जरूरी है उसके साथ, सीधी सी बात है। सत्य वचन। स्वाति ना सुचित तुम्हें चाहता है कि तुम उसकी टीम में हो, ना सोनल चाहती है। इसको विश्वास नहीं है, मैंने कल बोला भी था कि मतलब मैं तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास करती हूँ, इन लोगों पे नहीं करती, मैंने आज भी बोला था कल भी बोल रही थी, और लेकिन मैंने पलक को बोला था आज, मैंने कहा मैं आपकी टीम में ही आना चाहती हूँ, पलक कैप्टन, क्योंकि मैं अपने टीम में ना अब नहीं, फिर मैं अपने टीम में काफी ज्यादा कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है स्वाति, मैंने मौका दिया तुम्हें बोलने का, बहुत अच्छा बोला, लेकिन तुमने लिखा कुछ और। सोनल, मैं सोनल की टीम में जाना चाहती हूँ क्योंकि सोनल एक ऐसी बंदी है जो हर किसी को मतलब एडवाइस भी देती है, तो मतलब ठीक देती है। तुम भूल गई थी कि तुमने ये लिखा है, या तुम ऐसे सोच रही थी कि हम भूल गए हैं कि हमारे पास एक कार्ड है? अब वही जो बात तुमने बोली थी एक बार फिर से दोहराएंगे प्लीज, मेरे थोड़े कान का थोड़ा कमजोर है। दोबारा सुनना चाहता हूँ, कैसे आप सुचित की टीम में ही जाना चाहती हैं? ये रहा, बोलिए। स्वाति बुरा फील हो रहा है। अब ये है कि मतलब इसी पे भारी पड़ूंगी अब बहुत ज्यादा। हैरी और स्वाति आपको झक मार के उसी टीम में जाना है जहां तुम नहीं जाना चाहते, जो तुम्हें नहीं चाहते। अपने वो प्यारे से बैंड उतारो, पूरी श्रद्धांजलि के साथ उन्हें दो जो आपको नहीं चाहते थे। नाम लिखा तुमने उस पे। पूरी तरह से हिल चुका हूँ ऊपर से नीचे तक, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने सोनल से कि ऐसा करेगी वो। और चलते हुए उस तरफ जाओ जो भी आपको नहीं चाहते।
सुचित आपकी टीम में मोहित, पलक हैरी और स्वाति आपकी टीम है हैरी। यार वो है गेम में, मैं उससे तो खुश नहीं थी, बिल्कुल खुश नहीं थी, अब आ गया तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। सोनल, अनिरुद्ध और रूपाली, गौरव और रमन और आप, ये टीम मेरे स्ट्रांग लग रही है, इसलिए नहीं क्योंकि नेसेसरली स्ट्रॉन्गर परफॉर्मर्स है, मगर ये सब एक साथ रहना चाहते हैं, ये इनकी पहली चॉइस है। दूसरी चीज, तुम अपने पता नहीं किस फिराक में रहते हो कि भैया हम परफॉर्मर है, एट में हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ तो तुम कर रहे हो कि कोई तुम्हारे साथ खड़े नहीं होना चाहता। आज इस टास्क में तेरी परफॉर्मेंस कैसी रही सुचित? ये आज इस वक्त, अभी इस वक्त यहाँ खड़े खड़े इस ट्विस्ट में मैं दिखा दूं तेरी परफॉर्मेंस, रिपोर्ट कार्ड है मेरे पास। इसको लग रहा था कि मैं कैप्टन हूँ, मैं जिसका नाम लूंगा वो मेरी टीम में, इसको बोलूंगा इधर आ तो वो इधर आ जाएगा, इसको बोलूंगा उधर जा तो वो उधर चला जाएगा। तुम्हारी टीम जो पसंद की थी वो सामने आ चुकी है, अब अगर आप अच्छा करेंगे एक्सपेक्टेड, अगर आप बुरा करेंगे ना भिगो भिगो के मारूंगा। आई टेल यू समथिंग, मैं खुश हूं इस टीम के साथ, ये मेरी फेवरेट पोजीशन है, अंडरडॉग। This is when I really get going. Good, good. जब जो चाहिए वो नहीं है, फिर भी करके दिखाओ, I think that is when you're wrong. Good speech, Raghu. मुझे इंडिया की वो टीम दिखाई दे रही है जो 2007 में T20 जीती थी, right? और वही टीम दोबारा वर्ल्ड कप भी जीती है। जीतना हमें आता है। Confusion, कठिनाई। बाबा आपको confusion? हाँ confusion है। पैसा, रणविजय की टीम में 2.5 लाख और मेरी टीम ने 2.25 लाख। 2.25 लाख बोलते दो, कौन सी टीम, कौन सी टीम, किस टीम की बात कर रहे हो? पाली और अनिरुद्ध को तो फ्री के मिल गए पैसे। कौन से पैसे? अरे जो जो कंफ्यूजन आपको नहीं हुआ अभी तक, जो हैरी और स्वाति ने भी कमाए थे। आज रात भर आप तपस्या कीजिए और सच्चे मन से आप मांगिए, कल आपको पता चलेगा ये पैसे गए कहाँ और कैसे किसके पास आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिलहाल आपको अपनी अपनी टीम्स मुबारक हो, एक दूसरे को देख लो, अब देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। बाबा थैंक्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सर, आने में बड़े मजा आए, बहुत मजा आए। शांता शांता, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बाय। बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि टीम बहुत स्ट्रांग है, सब अच्छे परफॉर्मर्स हैं, सबने अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे प्रूव किया है। जिस पे जितना विश्वास करते थे उसी ने इट्स ओके, आई एम विद यू नाउ, यू ट्रस्ट मी ना, हम दोनों तो इनको ऐसे चक देंगे, रमन और रूपाली को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं सोनल की ऐसी वाट लगाऊंगी ना उसे। ये मेरी ड्रीम टीम थी जो सोनल ने चूज कर ली और आई एम वेरी हैप्पी विद इट, आई एम वेरी हैप्पी विद द डिसीजन। कैप्टन तो मैं बन गया हूं लेकिन इस टीम को चलाऊंगा मैं, देखते हैं, सोचना पड़ेगा बहुत, अब आएगा मजा।